नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर, मध्य प्रदेश से कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से किया काम बंद, मांगे पूरी करने के लिए की हड़ताल। जी आपको बता दें, श्याम साहब मेडिकल कॉलेज से संबद्ध संजय गांधी मेमोरियल और गांधी मेमोरियल अस्पताल में लगे लगभग 2 सैकड़ा से अधिक सफाई कर्मचारी व वार्ड बॉय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक काम बंद कर दिया है, जिसके चलते सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कर्मचारियों की हड़ताल की जानकारी लगते ही ठेकेदार मौके पर पहुंचे और उनकी मांगों को मान लिया है। कर्मचारियों ने बताया है कि उनका वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते पहले ही उनके द्वारा चेतावनी दी गई थी। हड़ताल के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शाम तक वेतन भुगतान का आश्वासन दिया है, जिसके चलते काम शुरू कर दिया है। देखिए कर्मचारियों ने मीडिया से क्या बताया। देखते रहिए प्राग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। सुबह 6 बजे से बैठे थे, काम बंद किए थे, बात हुई थी संजय सर से कि तनख्वाह 20 तारीख तक आ जाएगी, 20 तारीख को नहीं आई, 2 दिन हमने एक्स्ट्रा दिया, आज बैठ गए हम लोग तनख्वाह के लिए। 8,000 मिलती है। कितने कर्मचारी थे हड़ताल में? हड़ताल में वो 250। बड़ा जल्दी हड़ताल ख़त्म हो रही है क्या? अब मांग पूरी कर दी है, इसलिए वो कर दिए। तनख्वाह कोई वो बड़ी बात नहीं है ना, तनख्वाह के लिए बैठे थे। लिखित में दिए हैं आप लोगों को मांग पूरी? हाँ, बोले हैं कि आज शाम को आ जाएगी पेमेंट। और आयुष्मान